और क्या कभी करूँगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी बिस्मिल्लाह। वाह वेरी ब्यूटीफुल। अक्सर ये भी मैंने ठीक देखा है है, क्योंकि वो ज़्यादा अगर पक जाए ना तो उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, मक्खी बैठ जाती है उसमें, कीड़े आ जाते हैं। अभी ये थोड़ा थोड़ा सा पका है और इसमें काफ़ी ब्यूटीफुल टेस्ट है इसका। ये जो बीज है ये मैं गिरा देता हूँ, क्योंकि ये हम जी। बस नहीं खाते मैं हैं। हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शबाब, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राजा MD शबाब कादरी ऑफिशियल। जी व्यूअर्स, आज नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करूँगा आज की बनाई गई खूबसूरत वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू फ्रेंड आए हैं, आपको वेलकम कहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे। वेलकम माई न्यू फ्रेंड ऑन माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ यू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू सो मच एवरी वन माई न्यू फ्रेंड। ओके, और आज का शुरू करते हैं, नए व्लाग का आगाज़ करते हैं। आज का जो नया व्लाग होगा उसमें आपको देसी आपको गेहूं का नज़ारा दिखाएंगे और देसी व्लाग आपको बना के आज दिखाएंगे। और सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो भी हमारी वीडियो देखते हैं, मुझे पता है कि UK में हमारी वीडियोस को TV पे लगा के देखा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी वीडियो को देखते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक आप सबको सेहत अता करे। और बाकी आप देख सकते हैं कि आज मैं आपको अपने इलाके का खूबसूरत व्यू चेक करवाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि आज हमारे इलाके का मौसम कैसा और आज मेरी मुसरफियात क्या है। ठीक है, आइए चलते हैं बैक कैमरे की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम जी व्यूअर, ये देख सकते हैं ये हमारी भैंस है, ये दूध भी देती है और ये हमारी बहुत ही अच्छी भैंस है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं ये हमारा डॉगी है, डॉगी जो ये इस भैंस के साथ होता है, ये इसकी ड्यूटी करता है और ये पूरा दिन इसके साथ ही रहता है। ये हमेशा भूखा भी रहे तब भी इसको कोई परवाह नहीं होती। जब ये शाम को हमारी भैंस घर जाती है तो ये फिर डॉगी इसके साथ घर में जाता है। ये बहुत ही अच्छी रिकवरी करता है और सही ड्यूटी कर रहा है, देखें। और बाकी वो हमारी छोटी सी भैंस है, वो भी आप देख लें। बाकी आइए आपको दिखाते हैं मोहल्ले का व्यू, दिखाते हैं कि आज के हमारे मोहल्ले में मौसम कैसा और खूबसूरती कितनी है। आइए हमारे साथ। वाओ वेरी ब्यूटीफुल व्यू। इस साइड पे कोई ढोल की भी आवाज आ रही है, आप देख सकते हैं। कोई इधर पता नहीं कुछ शादी है या क्या कुछ प्रोग्राम है। बाकी आप देखें कितना खूबसूरत नजारा। ये हमारे नीचे घर आपको नजर आ रहे होंगे, ये हमारी कोठी भी है आपको नजर आ रही होगी। बाकी आज मैंने सोचा कि आपको देसी व्लॉग बना के दिखाता हूँ ताकि आप देखें और इन्जॉय करें। बाकी आपको इलाके भी दिखाऊंगा आज, यहाँ से कौन कौन सा इलाका नज़र आता है वो भी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं कैमरे को जूम करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से कौन कौन सा इलाका नज़र आ रहा है। इस तरफ अगर आप देख रहे हैं छोटी सी मस्जिद भी आपको नज़र आ रही है, यहाँ से ये समोर का इलाका नज़र आ रहा है। जो मस्जिद के पीछे से पहाड़ी नज़र आ रही है ये समोर का इलाका है, ठीक है। और इसके साथ ही अगर आ जाए तो ये पीछे रजवा का इलाका है, खूबसूरत इलाका रजवा, ठीक है। उसके साथ ही आप चले जाए वो सामने जो आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये पीछे काफ़ी बड़े बड़े बंगले भी हैं और कोठियाँ भी आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ से आपको मैं बताता चलूँ कि ये डगार का इलाका है और बड़ा खूबसूरत इलाका है। यहाँ पे काफ़ी तादाद में कोठियाँ बनी हुई हैं, बड़े बड़े ऊंचे बंगले बने हुए हैं। और ये जो सामने आपको मकान नज़र आ रहे हैं, ये छोटी सी पहाड़ी आपको नज़र आ रही है। इस पहाड़ी का नाम है नक्का नक्का, इसमें कब्रिस्तान है, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा सा कब्रिस्तान भी नज़र आ रहा होगा। और इस इलाके का जो नाम है वो है रपाड़ी, ये है इलाका रपाड़ी, ठीक है।
रपाड़ी के बैक में जो है इलाका आता है वो बरखा आता है, ठीक है। और ये जो हमारा इलाका आपको नज़र आ रहा है, छोटा सा इलाका, हमारा छोटा सा गांव है, इसमें ये हमारे इलाके का नाम है जी सावला डोक कंगर, ठीक है। पिछले दिनों में मैंने मिलाद शरीफ की महफलें जो हुई हैं हमारी मस्जिद में, जो महफल हुई है उसका जो प्रोग्राम मैंने अपलोड किया था वो हमारी मस्जिद में हुआ था। जो छोटे छोटे आपको गुम्बद को नज़र आ रहे होंगे, मीनार, हाँ ये देख सकते हैं। बाकी इधर ढोल भी काफ़ी तेज़ी के साथ बजाए जा रहे हैं, और आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं कौन कौन सा इलाका और नज़र आ रहा है। लो ये हमारा डोगी है, ये बहुत अच्छा डोगी है, ये रात पूरी जागता रहता है हमारा डोगी, देखें पूरी रात ये जागता रहता है, ड्यूटी करता रहता है, पूरी रात ये ड्यूटी करता है, भौंकता रहता है, और बहुत अच्छा डॉगी है ये। और बाकी व्यूवर्स आपको ये बताता चलूं कि कई ऐसे इलाके हैं कि जिन इलाकों में सिर्फ यानी कि चीड़ के दरख्त की पैदावार है, और कई इलाकों में मैंने देखा है कि वहाँ पे एक टाल का दरख्त होता है, वहाँ पे उसकी पैदावार ज़्यादा है। लेकिन हमारे इलाके में अब तो ज़्यादातर जो पैदावार हो चुकी है वो एक ऐसी बूटी आई है कुदरती कि उसने जो है काफ़ी हमारे जो इलाके हैं और हमारी जितनी भी ज़मीनें हैं उसको उसने बर्बाद करके रख दिया है। बूटी जो आपको मैं दिखाता हूँ वो बूटी कहाँ पर है, सामने आप देख सकते हैं, ये आपको जो नज़र आ रही है सामने बूटी, ये सारी बूटी है, ठीक है, ये आप देख लें, ठीक है। और बाकी दरख्तों के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारे इलाके में जो दरख्त हैं, ठीक है, वो एक जंड का दरख्त होता है, और दूसरा जो दरख्त आपको दिखाऊँ ये इसको पला कहते हैं, ठीक है, ये इसकी ज़्यादा पैदावार है हमारे इस इलाके में, ठीक है, ये पला का दरख्त है। और काफ़ी पहले भी इधर काफ़ी इधर यहाँ पे आपको दिखाऊं कि ये जो सामने आपको इलाका और जगह जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी दरख्त होते थे पला के, वो उन्होंने सेल कर दिए। बाकी आपको दिखाता हूँ कि जो जंड का दरख्त है वो फलता भी है, उसके साथ छोटे छोटे फल भी लगते हैं जिनको हम अपनी ज़बान में बैर कहते हैं, ठीक है, वो भी आपको दिखाता हूँ कि बैर कैसे होते हैं और कितने खूबसूरत होते हैं, आपको खा के भी दिखाता हूँ। माशाल्लाह मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि दरख्त जो फलता है जन का दरख्त, अगर उसका फल मिल जाए तो मैं बड़े शौक़ से खाता हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत, ये कुछ पके हुए हैं माशाल्लाह, ये जो आपको सिर्फ नज़र आ रहे हैं ये माशाल्लाह ये पके हुए हैं, और जो आपको वाइट नज़र आ रहे हैं ये अभी कच्चे हैं, ये भी पके हैं। तो हम जो खाते हैं वो पके हुए बैर खाते हैं इस तरह के, ठीक है। और देखेंगे कितना अल्लाह की कुदरत, देखें कि अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत इस दरख्त को बनाया, और छोटे छोटे फल कैसे अल्लाह ताला ने अनायत फरमाए, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। और बाकी आपको मज़ीद व्यूज़ दिखाता हूँ, अभी मैं बैर को चेक करता हूँ कि बैर मीठा है या खट्टा है, क्योंकि इसमें दो तरह की टेस्ट होती है, एक तो मीठी होती है और एक कड़वी होती है, वो आपको मैं देखें। मेरा डोगी किस तरह बैठा हुआ है, ये आज मेरे साथ हुआ है, घूमने फिरने आया हुआ है इधर, और डोगी बिल्लू बिल्लू, हाँ जी इसका नाम है बिल्लू, देखें बिल्लू बिल्लू ये दुम ला रहा है, बैठा हुआ है इधर, क्या कर रहे हो इधर ए? अभी मैं फल चेक करता हूँ, जो छोटे से फल लगे हुए हैं यहाँ पे दरख्त के साथ, जंड का जो दरख्त है, मैं इसके फल चेक करता हूँ कि फल मीठा है या खट्टा है, किस तरह का है, मैं चेक करता हूँ, आइए चेक करते हैं। अभी मैं इसको तोड़ रहा हूँ और चेक भी करूँगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह, वाओ वेरी ब्यूटीफुल। अक्सर ये भी मैंने देखा है इसमें कीड़े भी होते हैं, ठीक है,
अभी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल साफ़ है माशाल्लाह। और कुछ में कीड़े भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा अगर पक जाए ना तो उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, मक्खी बैठ जाती है उसमें, कीड़े आ जाते हैं। अभी ये थोड़ा थोड़ा सा पका है और इसमें काफ़ी ब्यूटीफुल टेस्ट है। अच्छा, ये भी आपको बताता चलो, अगर मेरे जो भी यहाँ से जहाँ से भी फैन देख रहे हैं मेरी वीडियो, अगर आप हमारे इलाके में आना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं, आपको वेलकम कहता हूँ, आप आएँ इस मौसम में, क्योंकि ये बैरी का दरख्त पका हुआ है, आप बैरी के दरख्त भी दरख्त के फल भी खाएं, बैर के बैर भी खाएं और खूब इंजॉय भी करें, ब्यूटीफुल व्यू आता है यहाँ से, ठीक है। और बाकी अभी मैं ये खा रहा हूँ, इसका ये जो बीज है ये मैं गिरा देता हूँ, क्योंकि ये हमें मीठा और बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है। और जो जो इस फल को पसंद करते हैं, आप अगर खाना चाहते हैं तो आ जाएं। ये देखें, ये इधर भी लगा हुआ है माशाल्लाह, ब्यूटीफुल, वाओ वाओ, ब्यूटीफुल व्यू, ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत नज़ारा है हमारे इलाके। ये जो आप इलाका देख रहे हैं व्यूवर्स, ये इलाका है सावला पीरन का। यहाँ से अगर मैं कैमरे को जूम करूँ आपको दिखाऊँ, और इसमें लगता है कि और खूबसूरती हो जाएगी। ये आपको काफ़ी लंबा सा मीनार नज़र आ रहा है, और साथ थोड़ा सा गुंबद भी नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये मस्जिद है सावला पीरों में, ठीक है। बाकी ये देखें कितना ही खूबसूरत नज़ारा आ रहा है। और ये बाकी आपको जो नज़र आ रही है, ये सब बूटी है, ये सारी बूटी हो चुकी है, ये जड़ी बूटी है। बाकी कैमरे से कैमरे को जूम करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से कौन कौन से इलाके आपको नज़र आ रहे हैं। ये सामने आप इलाका देखें, ये गनेर का इलाका है, इससे ऊपर एक इलाका आता है बिलावल का। और इधर मैं आपको अगर दिखाऊं, ये ट्रैफिक भी जा रही है, ट्रैफिक जा रही है हमारी रोड से। और बहुत ही अच्छा नज़ारा। और नीचे अगर आपको कैमरा मैं करके दिखाऊं तो ये आपको नीचे ग्राउंड भी नज़र आ रहा होगा, ये हमारा ग्राउंड है वॉलीबॉल का। आपको मैंने काफ़ी इलाके का विज़िट भी करवाया और आपको व्यू भी दिखाया और दरख्त भी दिखाए, जो दरख्त फलते हैं और जिन दरख्त की पैदावार ज़्यादा है वो भी मैंने आपको दिखाई है। बाकी उम्मीद है कि आपको आज का देसी व्लॉग पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और जिन जिन व्यूवर्स ने मेरी वीडियो को देखा, मैं आप सबका एवरीवन का थैंक यू सो मच कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, अपने व्हाट्सएप पे हमारे लिंक को शेयर किया करें, फेसबुक पे शेयर किया करें, ताकि और भी हमारे नए फैन आएँ, हमारी वीडियो को देखें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त।